क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन है जिसमें 2 को हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो 9/11 बन जाता है, और 3 को ऐड करते हैं ऊपर नीचे तो वो 5/6 बन जाता है, तो वो फ्रैक्शन हमको निकालना है। सो आइए स्टूडेंट, फ्रैक्शन को अपन x अपॉन y सपोज करें। लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अगर दोनों में हम 2 ऐड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, x प्लस 2 एंड y प्लस 2, तो ये बन जाता है 9/11। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ ये 9 इंटू वाई प्लस 2, सो दिस विल बिकम 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y, इसको इस तरफ लाएं तो हो जाएगा ये प्लस 4, 22 माइनस 18 हो गया 4, सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, 11x माइनस 9y प्लस 4। नाउ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन मीन्स अभी हमने 2 ऐड किया था, सेकेंड कंडीशन दिया है 3 ऐड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाता है 5/6। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ये 5/6 बन गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 6 इंटू एक्स प्लस 3 एंड 5 इंटू वाई प्लस 3, इसको सॉल्व करें तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y, इसको इस तरफ लाएं 18 माइनस 15 3 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज़ अवर सेकेंड कंडीशन। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन आ गई, अब इन दोनों को हम सॉल्व करें। नाउ स्टूडेंट, इनको सॉल्व करने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक्स रख के या वाई रख के दूसरी में करें, तो आइए इसको हम लेते हैं फ्रॉम टू वी कैन डू वन थिंग, 6x इज इक्वल टू क्या होगा 5y माइनस 3, तो x आ जाएगा हमारे पास 5y माइनस 3 अपॉन 6। अब ये जो x आ गया इसको हम क्या करें, पुट n इक्वेशन नंबर 1, ये हमने 2 से लिया अब इसको 1 में पुट करें, तो देखिए स्टूडेंट 11 x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से मैंने x लिया आ गया 5y माइनस 3 अपॉन 6, तो 11x यानी कि इस तरफ 11 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे मैंने इसको पुट कर दिया माइनस 9y प्लस 4। अब इसको हम सॉल्व करें, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नाउ लिसन स्टूडेंट, इसको मैं अंदर ले जाऊँ, 55y माइनस 33 और ये एलसीएम बन गया तो दिस इज 54y अपॉन 6, 96 या 54 ये नीचे एलसीएम बन गया इनका, और प्लस की जगह हम यहाँ माइनस 4 कर लेते हैं तो ये आसान रहेगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको हम सॉल्व कर देंगे, तो देखिए स्टूडेंट दिस विल बी 55 माइनस 54 ओनली वाई, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, माइनस 33 और 6 इधर गया माइनस 24, सो इसको हमने यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट किया, 33 माइनस 24 इट इज 9, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। नाउ स्टूडेंट वाई की वैल्यू जो 9 है, यहाँ जो x हमने इंडिपेंडेंट निकाला था इसमें पुट कर दें, तो देखिए x इज इक्वल टू
5y माइनस 3 अपॉन 6 जो सेकंड इक्वेशन से निकाला था हमने फ्रॉम 2, अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर दें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, सो x इज इक्वल टू 45 माइनस 3 42 अपॉन 6, सो x इज इक्वल टू 7। सो x हमारे पास आ गया 7, y 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो फ्रैक्शन हमारा था x अपॉन y, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 7 अपॉन 9 इज अवर आंसर, दिस इज अ फ्रैक्शन। इसमें आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन अप्लाई करके कि सिंप्लीफाई हो रहा है, तो मतलब ये वेरीफाई है।